अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब के दोस्तों, अभी मैं 1 किलो मटन चाप बना रही हूँ और आप लोग मेरी रेसिपी को देखें कि मैं इसको किस तरीके से बनाती हूँ। ये 1 किलो मटन है और अभी मैं इसमें तकरीबन 1.5 कप इसमें मैंने कुकर में घी डालना है। घी गरम हो गया, अब इसमें मैं 1 बड़ा प्याज डाल रही हूँ। प्याज सुरख हो गए हैं और मैं इनको अब निकाल लूँ प्लेट में। इस प्लेट में आप डाल दें। इस तेल में अब हम ये गोश्त डाल देंगे। इस तरीके से आपने इसमें गोश्त डाल देना और इसको भूनना है। ये 1.5 कप टोमाटो पेस्ट है, अब ये इसमें हम डाल देंगे और इसके साथ इसको भूनेंगे। जब तक टमाटर का पानी खुश्क नहीं होता तब तक हम लोग ये चीज़ें थोड़ा सा ब्लेंड कर लेते हैं। ये जो प्याज हम लोगों ने सुरख की थी ये हो गया, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये सब्ज मिर्च है 3 अदद और ये बादियान के फूल हैं, ये हम डाल देंगे। और इसमें जो मसाला हमने डालना है वो भी इसी में हम ऐड करेंगे। इसमें हमारे पास हमने 1 चम्मच इसमें सुरख मिर्च डालनी है। जो नमक है आप इसमें ही डाल दें, तकरीबन 2 चम्मच आप डाल दें। और मैं कुटी हुई लाल मिर्च डाल दूंगी, गरम मसाला, किलवंजी और 1 चम्मच भर के आपने हल्दी डाल दी हुई है। अब इसमें तकरीबन 1 कप दही, प्याज है जो हम लोगों ने अच्छे तरीके से सुरख कर लिए थे, 3 हमारे पास सब्ज़ मिर्चें हैं और मसाला जात हैं जिसमें हल्दी है, मिर्च है, कुटी हुई भी है और पिसी हुई भी है, और इसमें थोड़ा सा हम लोगों ने गरम मसाला भी डाला है। और इसमें थोड़ी सी हम अजवाइन डाल देंगे। ये अजवाइन पाउडर है, ये भी डाल देंगे। और ये जीरा है। पेस्ट तैयार हो गया। अभी ये टमाटर और नमक में हम लोगों ने इसको भूनना है।
चिकन अब स्टेज पर आ चुका है। अभी हम इसमें ये जो हम लोगों ने मिक्सी में मसाला सब प्रिपेयर किया था, दही में सब्ज़ मिर्चें और बाकी मिर्ची डाली थी, ये हम इसमें डाल देते हैं। और अब हम 10 मिनट के लिए इसको प्रेशर देंगे। जब इसका जो ऊपर वो सीटें जो होती है वो हिलना शुरू करेगी, उसके बाद 10 मिनट आपने इसको चलते रहना। प्रेशर कुकर मैंने लगा दिया, ये जब सीटी बजेगी उसके आप तकरीबन 10 मिनट बाद आप इसको बंद कर देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अभी मैं इसका प्रेशर खोलूंगी और फिर मैं आपके पास वापस आती हूँ। अभी मैं इसको खोलती हूँ। इस तरह की शक्ल निकल आई है, इसको थोड़ी देर भूनेंगे और फिर ये डालेंगे।